नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रेनु सिंह गहलोत, रेनु IVF गहलोत हेल्थ केयर कानपुर से। हम सभी आज COVID-19 महामारी से जूझ रहे हैं और बहुत से लोग इससे इफ़ेक्टेड हैं, और इससे बचने के सिर्फ 2 या 3 तरीके ही हैं। सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है COVID-19 वैक्सीन्स, मास्क का तरीके से प्रयोग करना, बार बार हाथ धोना और सैनिटाइज़र का उपयोग करना। इस वीडियो में मैं बात करूंगी COVID-19 वैक्सीन के बारे में। हमारे भारतवर्ष में 2 वैक्सीन्स इस समय अवेलेबल हैं COVID-19 के लिए, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। दोनों ही वैक्सीन्स बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं और एक अच्छा मेथड है जिससे कि आप COVID-19 वैक्सीन्स के वायरस को कॉन्ट्रैक्ट करने से बच सकते हैं, और अगर ये वायरल इन्फेक्शन होता भी है तो इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बहुत माइल्ड होते हैं। पेशेंट की जान बच सकती है और ICU में जाने से मरीज़ बच सकता है। ये दोनों ही वैक्सीन 2 डोजेज़ में अभी लगाई जा रही हैं। 6 से 8 हफ्ते का डिफरेंस इसमें रखना होता है। पहला शॉट लेने के बाद 6 हफ्ते बाद या 8 हफ्ते बाद आपको सेकेंड शॉट लेना है। कुछ चीज़ें हैं जो सवाल मरीज़ों के मन में आते हैं या कॉमन मैन के मन में हैं कि इन वैक्सीन्स को लगाने से काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं, COVID-19 वैक्सीन का लगाने से हमारे शरीर में वैक्सीन का वायरस प्रवेश कर जाएगा, काफ़ी अधिक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। हमें इन सब मिथ को बिल्कुल दूर करना होगा। वैक्सीन लगाने के बाद हो सकता है आपको 6 से 24 घंटे के अंदर हल्का बुखार 99 से 100 तक आए, हल्की सी कमज़ोरी महसूस हो, जहाँ पर इंजेक्शन लगा है वहाँ पर हल्का सा दर्द हो, लेकिन ये सभी छोटे छोटे से साइड इफ़ेक्ट्स आपकी जीवन भर के लिए, अभी कम से कम 6 से 8 महीने से साल भर तक आपको जानलेवा कोविड से बचाने के काम आएंगे। और ये छोटे से साइड इफ़ेक्ट मात्र पैरासिटामॉल की 650 mg या 500 mg की 2 डोज 6 से 8 घंटे पर लेने पर आप इसको कवर कर सकते हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपने दिमाग से किसी भी तरीके के कन्फ्यूजन को हटाइए, सभी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगाइए। अपने वैक्सीन लगने के बाद के एक्सपीरियंस को अपने नियर एंड डियर्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे हम अपने भारत में होने वाली इस महामारी को जल्द से जल्द कंट्रोल कर पाएँ। थैंक यू सो मच।